सौ 8-7 पन्ने का रिपोर्ट इनका मैंने चेकअप कराया था, कहाँ से करवाया था, पैथ काइन से करवाया था। नाम देख लेते हैं, इधर कोमल लिखा हुआ है। आज क्या बनाओगी? देखते हैं क्या लाया बनाएंगे। आज तुम बनाओ मशरूम मटर। तो गाइस मैंने देखो इधर अच्छे से नहा धो लिया है और मैडम जी को अपना उठा भी दिया, इन्होंने अपना ब्रश मुँह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आपका विनय कोल चैनल के ब्लॉग्स पे। तो मैं उठ गया हूँ और हमारी मैडम जी भी आराम कर रही हैं क्योंकि उनको दो दिन तक काफ़ी हैवी फीवर हो गया था, तो इसलिए हमारा दो दिन तक ब्लॉग नहीं आया था। आज उनकी तबीयत बहुत सही हो गई है, सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गया है और अभी वो लेटी हुई आराम कर रही हैं। तब तक मैं उठ गया हूँ, तब तक अपना फ्रेश हो जाता हूँ और मुझे ड्यूटी भी जाना है। और आज मैडम जी को नहा धो के तब आके उठाते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब करें। और थोड़ा धीरे बोलता हूँ क्योंकि देखिए अभी सो रही हैं, बीमार हैं, चेहरे की लाइट चली गई है। तो कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। आज उठेंगे अपना मस्त होके, एकदम फ्रेश होके, तब अच्छा लगेगा उनको उनको भी। तो दोस्तों इसीलिए हमारा दो दिन तक ब्लॉग नहीं आया क्योंकि हमारी वाइफ का तबीयत नहीं सही था, तो हमको ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जब बीमार थी एक दिन बनाया तो बहुत लोगों ने किया ऐसे वैसे, उल्टा सीधा कमेंट करते हैं तो मन नहीं करता बनाने का। तो ठीक है, तो वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। आप लोग से मिलते हैं, हम नहा धो के मिलते हैं, तब तक मैडम जी को सोने देते हैं, फिर आते हैं, फिर उठाते हैं। चलो चलते हैं। तो गाइस मैंने देखो इधर अच्छे से नहा धो लिया है और मैडम जी को अपने उठा भी दिया, इन्होंने अपना ब्रश मुंह वगैरह सब धो लिया है। अब कैसा फील कर रहे हो आप? पहले से बेटर। बहुत अच्छा फील कर रहे हो ना? तो बहुत सारा दवा हुआ, बहुत सारा रिपोर्ट भी जांच हुआ क्योंकि डर था ना, क्योंकि देखो अभी कोविड चल रहा है और डेंगू वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो बहुत सारे जाँच हुए। अभी आप लोग को रिपोर्ट भी दिखाएंगे, क्या क्या डॉक्टर ने बताया वो भी बताएंगे। तो अब मैडम जी हमारी जा रही चाय बनाने, तो हम भी चलते हैं चाय वाय पी के, फिर निकलते हैं ऑफिस, फिर शाम को आएंगे जल्दी 6-7 बजे, फिर अपने अपने वाइफ के साथ रील्स वगैरह बनाएंगे। भैया अब दो दिन हम कुछ नहीं किए ना, हमको भी अच्छा ही लग रहा था, लेकिन क्या करें यार, नहीं बनाने का मन था, बीमार थी हमारी मैडम जी तो इसलिए नहीं बनाए। तो ठीक है, बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, मिलते हैं अभी चाय वाय पी के। तो गाइस मैंने आप लोग से बोला था कि आप लोग को रिपोर्ट दिखाऊंगा, ये देखिए कम से कम 8-7 पन्ने का रिपोर्ट इनका मैंने चेकअप कराया था। नाम दिखा दो ना। कहाँ से करवाया था? पैथ काइन से करवाया था। नाम देख लेते हैं, इधर कोमल लिखा हुआ है। तो रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही है, लेकिन एक अपने जो डर होता है अंदर और भय होता है कि कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ है। तो इसमें पता है डेंगू का भी रिपोर्ट है, कोविड का भी रिपोर्ट है और मलेरिया का भी रिपोर्ट है, ब्लड की कमी है कि नहीं है सब कुछ रिपोर्ट है। तो सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार जब हम सोचे इतना रिपोर्ट डॉक्टर साहब करा रहे हैं, कहीं कुछ हो ना जाए उल्टा सीधा, तो जब डॉक्टर साहब ने बोला कि बहुत ही अच्छा नॉर्मल रिपोर्ट है, तो सुन के जैसे सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगा कि चलो इतना रिपोर्ट चेक हुआ, कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैडम जी मैं नाश्ता करें, लेकिन डॉक्टर ने बोला अभी इनको आराम दो, अभी ज़्यादा ये काम शाम न करें और नाश्ता टाइम से लें। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, जल्दी क्या, वही 9 बजे उठता हूँ, फिर भी पहले बहुत जल्दी उठ जाता हूँ दोस्तों। तो मैडम जी मैं नाश्ता करें, हमने अपना नाश्ता कर लिया और रेडी हो गए, हम निकलते हैं ड्यूटी के लिए और शाम को जल्दी आते हैं, फिर शाम को आते हैं मैडम जी से, देखते हैं क्या हाल चाल रहता है, क्या रुतबा रहता है इनका। ठीक है, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और बहुत ही अच्छा लगा कि रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है, बहुत ही मतलब खुशी हुई। एक टेंशन था कि दो दिन तक हम लोग इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाए, क्या क्या नहीं आएगा, तो इसीलिए आप लोग से शेयर करें दोस्तों। इतना 8-10 पन्नों का रिपोर्ट है, सच में यार इतना रिपोर्ट तो किसी का भी नहीं होता होगा, पैथ काइन से भी कराया था हमने। ठीक है, आप लोग बने रहिए, मिलते हैं हम लोग से शाम को, चले हम, बाय बाय, मिलते हैं शाम को। तो गाइस देखो बीमार होने के बाद चेहरे पे कितनी लाइट आ जाती है। इतना सेवा करोगे, दो दिन ब्लॉग नहीं डाले सेवा के चक्कर में, तो क्या होगा। बात तो सही कह रही हो आप, मतलब सच में आप कितनों लोगों ने किया कि भैया इतना सच के कौन बीमार होता है,
ऐसी कोई बात नहीं होती है, एक दिन पहले का आदमी मेकअप किया रहता है तो तुरंत छूट नहीं जाता है। तो आज हम तो मैडम देखिए आज इनके लिए मैंने गोलगप्पे लाया था, म्यूनीज और तीखी चटनी चाट रही हैं। डॉक्टर ने बोला है, क्या बोला है आप लोग? डॉक्टर बोला है चटपटा खाओ, चटपटा खाओ, खट्टा खाओ। हम अभी अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं हम भी रात तुम्हारी तरह मेकअप कर लें क्या। आज तो बहुत ग्रुप कमाल लग रही है एकदम। मेकअप है सब हमारा पैसा है, ये सब पैसा है हमारा। अच्छी बात नहीं है, सब मेहनत है, मेरा मेहनत की है 2 घंटे मेकअप के पीछे। तो मेकअप सच में बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अब इनका ब्लॉग अब आने लगा है क्योंकि जब से इन्होंने फ़ोन लिया है तो बहुत लोगों ने पूछा भैया कौन सा फ़ोन लिए, तो हाँ जी इनका फ़ोन है वन प्लस का। वन प्लस बहुत अच्छा है, मतलब इसका कैमरा वगैरह सब, वॉइस वगैरह आजकल ट्रेंड में चल रहा है वन प्लस, आईफोन के बाद तो वन प्लस ही है। तो चाहे तो आईफोन दिला देता मैं फिर आप लोग, जब मैंने वन प्लस दिलाया नहीं मुझसे पूछे ये कि कौन सा फोन चाहिए, आईफोन दिला दे, बोले नहीं मेरे को वन प्लस चाहिए। कुछ भी लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कॉपी कॉपी कॉपी, तो भैया ठीक है हम कॉपी कर रहे हैं। भैया वन प्लस लिए हैं अब तो नहीं बोलोगे ना टिकटॉक का कॉपी कर रहे हैं? कर रही हो तुम? कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई बात। ठीक है दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अभी कुछ देर में, चलो किचन में चलते हैं। आज क्या बनाओगी? देखते हैं क्या लाया हो, बनाएंगे। आज तुम बनाओ मशरूम मटर, अरे मशरूम में पनीर भी डाल दो ना। हाँ तो दोस्तों मैं कुछ आप लोग से कह रहा था, तो हमारी जो मैडम जी का चैनल है वी एंड के ब्लॉग, तो आप लोग इनका भी जाइए ब्लॉग देखिए और इनको प्यार दीजिए, मुझे मत प्यार दीजिए। हम चाहते हैं ना आप हमारी वाइफ के चैनल को आगे बढ़ाएं, मेरे चैनल को पीछे छोड़ दें। वाह, जिन्होंने मेरा मेकअप वाला ब्लॉग नहीं देखा ना वो प्लीज जाके देखें। ये जो मेकअप की है ये तो कुछ नहीं है, ये तो हाफ डन हाफ मेकअप है। इसके पहले का जो चमक धमक था ना वो इनके ब्लॉग में आएगा। हाँ, ये मैंने ना सब ये वगैरह सब ये सब उतार दिया। ठीक है दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में आप लोग, मिलते हैं आप लोगों से भी। बाप भाई बा, आज दोस्तों देखो इन्होंने मेरा टी शर्ट और मेरा हाफ पैंट पहन रखा है। और देखिए सब्जी कट रही है, इधर आलू है और कोहड़ा है, कद्दू है, सीताफल, मैंने सुना है इसका नाम चाहे सीताफल भी बोलते हैं। हरी हरी सब्जियां खाओ मस्त रहो हमेशा, हरा पीला दोनों है। अरे सही है, जब भी है अच्छा है, लेकिन ना पता है कद्दू खाना चाहिए बहुत अच्छा होता है, सुनते हैं कोड़ा खाने से ना दिमाग तेज होता है। ये बात हमको भी लगता है, सुने है पता नहीं, नहीं मैंने भी सुना है। सुने हो ना आप, तब इसका मतलब रोज खाए आप? नहीं मतलब कभी कभी खाना चाहिए। आज सुबह इन्होंने मेरे सर में बहुत तेल लग दिया क्योंकि सर में दर्द हो रहा था ना, तो इन्होंने तेल लग दिया। अब आराम में देखो, अब मेरे ना इधर भी देखो दाढ़ी मूछे सब बढ़ गए हैं, अब कल दिन कटवाने जाएंगे, देखते हैं कब टाइम मिलता है। हम बीमार थे तब खा दिए, जब बीमार हुए नहीं खाए। इतने बड़े मुंह में चले जाते हैं यार, बहुत दिन बाद हम लग रहा है सब्जी काटना हुआ दिखा रहे हैं। मेरे पास टाइम टाइम नहीं होता है, टाइम नहीं होता है और आज टाइम से आया हो नहीं तो हमेशा लेट से आते हैं। आज सुंदर भी लग रही हो, नजर ना लग जाए आओ उतार दे। नहीं यार जा रहे थे तुमने मुंह बनाए थे नहीं पागल हो गया, ये रहा हमारा सब्जी, हम जा रहे इसको बनाने। आज इनको लेके चलते हैं किचन में क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि ये हम जब खाना बनाए और ये रहे, हमेशा तो रहते हैं यार, नहीं रहते हो झूठ मत बोलो, हमेशा लेट में आते हो तब तक मेरा खाना बन जाता है। ठीक है चलो 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 दोस्तों किचन में मिलते हैं। अरे हमार बेबी कितना गर्मी है यार, आज मेरा मन था पूरी खाने का क्योंकि ना पंडित लोग ने कोहरा का सब्जी और पूरी बहुत चलता है। इतना सारा मेकअप की वजह से गर्मी हो रहा है कि यार गजब तुम्हारा। नहीं कि गर्मी है,
कुछ मेकअप भी है। अरे वाह भाई वाह, ये रहा दोस्तों हमारा गर्मा गर्म फुला फुला पूरी हमारी मैडम की तरह, और ये रहा हमारा सब्जी। गर्म है, मैं तो डर गई। ए, मुझे लगा यार तुम रोटी बनाओगी। नहीं पूरी, क्योंकि घोड़े के साथ पूरी अच्छा। दोस्तों एक बात बताऊं, जब ये 10-15 दिन घर नहीं थी ना, तो मेरा पेट उठ सब कम हो गया था, लेकिन अभी आ गई ना, पेट खिलाने वाला नहीं था आपको, इसीलिए कम हो गया था। हमने सच में जो डाइटिंग थी तो हमारी प्रॉपर, आजकल डाइटिंग भी टाइमिंग से डाइटिंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा देखिए मैडम जी पूरी बन गया, आगे बना फट बना रही हैं। सब्जी दिखा, सब्जी दिखा दी हम, सब्जी इसमें अभी देखिए दोनों पे गैस जल रहा है, एक बहुत फास्ट काम करते हैं मैडम जी। नहीं ऐसी बात नहीं यार, फास्ट करना है, लेकिन थोड़ा गर्मी लग रही है। गर्मी तो है यार, देखो ये रहा सब्जी, सब्जी भी अच्छा, पूरा पूरी एकदम ना ऐसे अच्छा ब्राउन लगता है, लाल लाल, हाँ एकदम ब्राउन ब्राउन रहता है, अच्छा लगता है। इतना मेकअप मत लगाया करो, चेहरा खराब हो जाएगा यार। जा रहे हैं रील्स करने, रील्स बना रही, देखो दिखा दो रील्स बना रहे थे हम। अच्छा इधर भी कैमरा लगा हुआ है रील्स बनाने के लिए, तावास। तो ठीक है दोस्तों, बन जाता है, फिर मिलते हैं हम लोगों से, बने रहिए ब्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार देते रहिए इसे अपना आप लोग, हम भी थोड़ा आ जाते हैं कैमरे में। मेकअप कौन बनाता है यार? अरे हमारी मैडम जी बनाती मेकअप करके, इनको मेकअप बहुत पसंद है। देखिए हम तो अब ना, अब पहले हम बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, तो अब पता नहीं कैसे हो गए हैं। नहीं है जी, मेरे पास टाइम ही नहीं है दाढ़ी बाल बनवाने का, तो चलते हैं। हमको तो यहाँ किचन बहुत गर्मी लग रही है भैया, हम तो जा रहे हैं रूम में आराम से एसी चला के बैठते हैं। ये देखो मेरा फोटो, खाना बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है, पता है? वो तो है औरत के लिए, वो तो है, वो तो मान लिया। इतनी गर्मी पसीना, मेरे पास इसमें खिड़की नहीं है, हाँ है लेकिन लॉक है, बंद नहीं है ना, ये खिड़की बाहर की साइड नहीं है ना, ये अंदर की साइड। आज मैं भी गया था एक रूम देखने, उसमें थोड़ा सा आप लोग को दिखा देंगे, पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं है, बाप रे बाप, इतना पसीना। अभी देखो मैंने किचन से आ रही है और इनके लिए मैंने पहले से एसी चला दिया है। अब बैठ जाओ, थोड़ा हवा ले लो, इसी सामने आ जाओ। मेरी बात गर्मी है, दूसरी बात ये इतना मेकअप चढ़ा रखी है चेहरे पे, क्या करें यार, रील्स बना रहे थे ना। अरे बाप रे, चलो पहले हवा ले लो। तो पूरा खाना बन गया? पूरा क्या बन रहा है, पूरी सब्जी। उधर पंखा भी चल रहा है दोस्तों, उधर एसी भी चल रहा है, हमारी मैडम को गर्मी बहुत लगता है। एक तो किचन में से काम करके आ रही है और गर्मी तो बहुत लगता है किचन में, तो गर्मी आ भी गया है सीजन। हवा ले लो, ठीक है। ये बाप रे बाप, पूरा तुम्हारा चेहरा लाल हो गया यार। ब्लशर क्या लगाती हो? ब्लशर। तो दोस्तों मेकअप वाला ब्लॉग इनके ब्लॉग में आएगा ना, तो इन्होंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया है, आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए प्लीज यार, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैडम जी हमारी सही हो गई है, अभी रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो, हवा हवा ले लो, ठंडा हो गया। अरे अभी ठंडा हो जाओगी, हो गया, हाँ एसी तो ठंडा कर रहा है। देखा? नहीं अभी नहीं, हवा ले लो। सो गाइस, आपने देखा कि मैंने क्या बनाया है, पूरी बनाया है, सब्जी बनाया है। हमारे पति जी तो आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि मैंने क्या क्या बनाया है, अब बारी आता है उनको खाना देने का। मेकअप, सब मेकअप खराब हो चुका है पसीना से, आपको दिख ही रहा होगा, तो खराब हो या सही हो, अब तो कोई काम तो है नहीं मुझे, आपको पता ही है। तो मैं आ गई हूँ ड्यूटी से, वो जल्दी आ गई, तो मैं जा रही हूँ खाना निकालने के लिए, तो मैं उनके लिए खाना निकाल देती हूँ दोस्तों। और आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कैसा लगा मेरा मेकअप, अच्छा लगा तो भी, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स पर इंतजार करते हैं। और ये रहा पूरी, बहुत दिन बाद दोस्तों मैंने पूरी और सब्जी बनाया है, क्योंकि आपको पता ही है गर्मियों में ज्यादा तेल मसाला खाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ज्यादा तेल मसाला अच्छा नहीं होता है, इसीलिए। तो आ गए हैं ड्यूटी, पता है उनके नसीब में कभी भी ना गर्म खाना नहीं होता है, तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा अभी मैंने कढ़ाई में से निकाला भी नहीं है, और मैं उनको जा रही हूँ खाना देने, क्योंकि उनके नसीब में कभी भी गर्म खाना होता ही नहीं है, जब भी वो खाते हैं बेचारे ठंडा ही।
क्योंकि टाइम से नहीं आते हैं ना, हमेशा लेट से आते हैं, तो टाइम से आते तो शायद एक बार खा भी लेते, टाइम से नहीं आ पाते हैं। तो ये रहा पूरी और रहा सब्जी, तो चलते हैं इनको खाना देते हैं। बहुत दिन बाद टाइम से आए तो खाना देते हैं। दरवाजा लॉक करो पहले। खाना बड़ा अंधेरा है यार, लाइट ऑन करें। मत ऑन करो, जाने दो, जाने दे। तो ये रहा इनका खाना, पूरी और सब्जी, खा के बताएंगे कैसा है। पूरी सब्जी अच्छा रहे बताएंगे क्या, तुम खाना अच्छा बनाती भी हो, मैं कोई डाउट नहीं है, तो ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि तारीफ लाए तो वही। तो फटाफट खाना खाओ, मक्खन कम लगाओ, ठीक है।